जिस तरह से मनुष्य जीवन की क्वालिटी आज हो गई है, उस क्वालिटी के हिसाब से कोई खुश नहीं है लाइफ में। इसीलिए आज के युग के अंदर आत्मा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। शरीर और आत्मा दो चीज है। शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व, और इसीलिए जीवन जीने के लिए हमें वही पांच तत्वों की आवश्यकता है। आज हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से ही ये शरीर बना है, ये शरीर की वास्तविकता है। जीने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि 60 से 70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। प्रकाश चाहिए, क्योंकि ये शरीर की वास्तविकता है। आज ये पांचों तत्व में से एक तत्व भी कम हो जाए तो मनुष्य कितना सफोकेट होता है। पानी जब पीता है तो व्यक्ति सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देता है। ठीक इसी तरह आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। शरीर को तो पांच तत्व चाहिए। शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए, और वो 7 गुण कौन से हैं? इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। शरीर एसेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स है, तो आत्मा एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और वो 7 गुण कौन से हैं जो हर एक को जीवन जीने के लिए आवश्यक है? सर्वप्रथम हर आत्मा को जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? आज भौतिक दुनिया के अंदर विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, उसके बावजूद भी प्रार्थना में बचपन से हमें यही सिखाया गया, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। तो जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। बचपन से ही आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा, उसके सामने भी जब हम कोई आवाज करने वाला खिलौना रखते हैं कि तुरंत वो बच्चा उसको पकड़ना चाहता है और उसको ठोक ठोक करके तोड़ना चाहता है, देखना चाहता है ये आवाज कहां से निकल रही है। जिज्ञासा जानने की उसी वक्त से आरंभ हो जाती है, क्योंकि आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। स्कूल में जाने लगते हैं ये प्रार्थना सिखाई जाती है, लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। अज्ञानता को अंधकार कहा। कौन सी अज्ञानता से हमें ज्ञान की ओर जाना है? हर मनुष्य जीवन के अंदर सबसे बड़ी अज्ञानता अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये भी कहा गया है। ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स, अहंकार सबसे बड़ा अभिशाप है। और इसीलिए जब स्कूल में जाते हैं तो जो विद्या हम धारण करते हैं, जो विद्या हम ग्रहण करते हैं, तो विद्या से हमारे जीवन के अंदर विनम्रता आती है, विनय आता है। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम अज्ञानता की ओर न बढ़े, ज्ञान की ओर, विनम्रता की ओर ही आउटकम, ज्ञान का आउटकम प्रैक्टिकल व्यवहार के अंदर विनय विनम्रता है। लेकिन आज मनुष्य जितनी डिग्रीज को हासिल करता जाता है उतना ही उसका ईगो लेवल बढ़ता जाता है।
तो ये ज्ञान हुआ या अज्ञान? किस ओर हम बढ़े? अज्ञानता की ओर ही बढ़े। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर सारे संसार के ज्ञान की पुस्तकों को इकट्ठा किया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया है कि मनुष्य ने जो ज्ञान हासिल किया उससे अहंकार की गर्मी जरूर बढ़ गई है, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। इसीलिए कहा, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाओ, ये मेरी वास्तविकता है। ज्ञान माना ही समझ। उस समझ को जब हम व्यवहार के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, ले आते हैं, तब व्यवहार कुशलता हमारी बनती है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा गुण है पवित्रता। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में बहुत प्योर और इनोसेंट है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है कितना निर्मल है, पवित्र है, एकदम प्योर इनोसेंट। ये हमारी वास्तविकता है। लेकिन जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होने लगता है वो उस वास्तविकता से दूर हटता जाता है और अशुद्धियों को अपने अंदर भर लेता है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप बहुत प्योर स्वरूप। इसीलिए जहां पवित्र वातावरण होता है और उस पवित्र वातावरण के संपर्क में भी हम आते हैं, सुकून का अनुभव करते हैं, तभी तो इंसान मंदिर जाता है। मंदिर क्यों जाता है? उस पवित्र वाइब्रेशंस में जब प्रवेश करता है तो आत्मा को जैसे शीतलता, शांति, सुकून का अनुभव होता है। उस पवित्रता को अगर हम अपने भीतर से उजागर करें तो हमारे जीवन के अंदर कितनी शीतलता, शांति, सुकून आने लगे। जहां ज्ञान है, पवित्रता है, शुद्धि है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, साथ ही साथ अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम नहीं पनप सकता है। और इसीलिए आज व्यक्ति प्रेम की चाहना रखता है, लेकिन बाद में जैसे ही पता चलता है कि ये संबंध तो स्वार्थ के आधार पर है, तो व्यक्ति कितना निराश हो जाता है, सोचता है स्वार्थ के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आज की दुनिया है ही स्वार्थ के आधार पर, कितना स्वार्थ आ गया है। तभी तो किसी ने सही कहा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन अफसोस, हम ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ पाए। और प्रेम के बदले क्या जीवन के अंदर हासिल किया? आज एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्गों के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो उन्हें अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया इसलिए अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा। हर इंसान को प्यार चाहिए। जहां ये तीनों है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, प्रेम है, वहां शांति है, मेंटली व्यक्ति रिलैक्स्ड होता है। लेकिन आज की दुनिया में कोई प्यार से बात करता है ना तो भी लोगों को टेंशन होने लगता है, पूछो भाई क्या बात है, तो यही कहेंगे, अरे ये व्यक्ति इतना प्यार से बात कर रहा है ना, यही टेंशन क्रिएट कर रहा है। पूछो प्यार से बात कर रहा है फिर टेंशन क्यों होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, अरे ये प्यार से बात करने के पीछे भी कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, तभी आज इतना प्यार से बात कर रहा है, नहीं तो इतना प्यार से कहां बात करता है। घर में भी एक छोटे बच्चे को अगर माँ बड़ी प्यार दुलार करने लगे, बच्चा भी कह देता है, आखिर मतलब क्या है, बता दो क्या काम करवाना है। मैंने एक बच्चा भी समझ जाता है कि जरूर आज मम्मी को कोई मतलब है, तभी इतना प्यार से
दुलार दे रही है, प्यार कर रही है। तो मेंटल रिलैक्सेशन, शांति, ये चौथा गुण है। इसीलिए हर इंसान आज शांति की खोज में है, शांति चाहिए, मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, वातावरण की शांति नहीं चाहिए, स्मशान की शांति नहीं चाहिए। लेकिन कर्म करते हुए, व्यवहार में रहते हुए, जीवन के अंदर मेंटल रिलैक्सेशन कैसे हो, ये हर आत्मा चाहते हैं। जहां ये चारों बातें हैं, ज्ञान है यानी विनम्रता है, शुद्धि है, प्रेम है, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, शांति है, वही सच्चा सुख होता है। नहीं तो आज व्यक्ति सुख की खोज में या सुख की चाहना में कितना भाग रहा है। कहीं से थोड़ा सुख मिल जाए, आज व्यक्ति धन कमा रहा है कि सुख शांति से जी सके, धन आ जाता है। लेकिन अगर कोई अमीर से पूछा जाए सुख शांति आ गई, तो यही कहेंगे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। तो सुख की चाहना में कितनी भौतिक साधन अपना लिए, सुख सुविधाओं को अपना लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सुख नहीं आया। सारे भौतिक सुख सुविधा के साधनों के बीच में होते हुए भी मन परेशान है। तो आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। और जहां ये पांचों चीजें हैं, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आत्मा को कहा ही जाता है सत चित आनंद स्वरूप। आत्मा का सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। लेकिन आज आनंद तो छोड़ो, उसका फर्स्ट स्टेप खुशी। खुशी भी कहाँ है? खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाकर हंसना पड़ता है। घर में आते हैं तो वो खुशी गायब। घर में अगर गलती से व्यक्ति को कोई बात याद आ जाए और मुस्कुराने लगे, तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछते हैं, क्या बात है, आज इतना खुश नजर आ रहे हो। और अगर वो व्यक्ति डिस्क्लोज करना न चाहे और कह दे बस ऐसे ही, क्यों खुश नहीं हो सकते हैं, तो घर वाले कहते हैं दिमाग ठीक है, ये हालत हो गई। आज व्यक्ति ऑफिस में जाते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के, तो सब इशारा करने लगते हैं, क्या बात है, आज तो बड़ा खुश है, जो काम करवाना है करवा लो, लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं। इसलिए भी व्यक्ति थोड़ा टाइट होकर के जाता है, खुशी में रहना चाहता है लेकिन खुश रह नहीं पाता है। कितनी जगह एंटरटेनमेंट के लिए जाता है कि कहीं से थोड़ी घड़ियों के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए गए, हॉलीडे के लिए गए, और वहाँ किसी के साथ ईगो क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया, सारा मजा ही किरकिरा हो गया, वापस आ जाते हैं। वो इफेक्ट कितना दिन तक रहती है। और जहां ये छह चीजें हैं, वहां आत्मशक्ति, विल पावर। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म होता जा रहा है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, एग्जाम जैसे ही सामने आता है पेपर, सब कुछ भूल जाता है, नर्वस हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल गायब। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये छह गुण नहीं है,
ये छह शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। और जब ये सारी शक्तियां हैं तो आत्मशक्ति, विल पावर है। तो ये सात गुण ये आत्मा की वास्तविकता है। इसीलिए कहा नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। लेकिन हम अपने आप को जान ही नहीं पाए, और इसलिए कभी कभी मनुष्य जीवन में सोचता है कुछ मिसिंग है, सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। ये सात गुण ये आत्मा की वास्तविकता है। जब उस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं तो जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति हमारे जीवन में होने लगती है। वो वाइब्रेशंस, वो ओरा इस तरह से क्रिएट होने लगता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे नेगेटिव एटमॉस्फियर में चले जाएं तो वहाँ कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल आइडेंटिटी से विरुद्ध, विकृत दिशा में है, तो कैसे कंफर्टेबल फील करेंगे। इसीलिए मेडिटेशन माना इट्स अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ, अपनी वास्तविकता के तरफ जाने की एक यात्रा। और इसीलिए मनुष्य ने उसको अनुभव करना चाहा। गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जा। स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख का कारण है। पर धर्म माना कोई दूसरे दैहिक धर्म की बात नहीं है, लेकिन आत्मा स्व, स्व का धर्म शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। उससे पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, ये सात अवगुण आ गए हैं। तो पर धर्म ये दुख का कारण है। जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होते हैं, यही तो दुख का कारण है। इसीलिए स्वधर्म में स्थित हो जा, यही सुख का आधार है। दूसरे शब्द में कहे तो ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई है। तो ये बैटरी को हम चार्ज कैसे करें? मेडिटेशन चार्जर है, लेकिन खाली शांति में बैठ जाने से कोई चार्ज नहीं हो जाते हैं। हमें उस स्मृति में, उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा, स्थित करना होगा, तब हम अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। अपने फैमिली को कर्जा ले लेकर के पालता जा रहा था। एक समय आया जब सब ने कर्जा देने के लिए मना कर दिया। इतना उदास हो गया और पहली बार उसको अपने जीवन के अंदर गरीबी का एहसास होने लगा और सोचा ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है। मरने के विचार उसको आने लगे, परंतु क्या करे, जैसे ही उस बंजर जमीन को देखकर कोस रहा था, ये बंजर जमीन कोई काम की नहीं, तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसके तरफ आ रहे हैं। वो लोगों ने पूछा, अरे भाई ये जमीन किसकी है? उसने कहा मेरी जमीन है, लेकिन बंजर जमीन कोई काम की नहीं है। वो लोगों ने कहा, हमारे रिसर्च से पता चला है कि इस जमीन के नीचे तेल है, अगर आप हमें खुदाई करने की परमिशन दो उसका भाड़ा हम दे देंगे।
तो उसने कहा भले ले लीजिए, आप खुदाई करिए देखिए। उन लोगों ने ड्रिलिंग किया तो पता चला सचमुच उसके नीचे इतना तेल था कि प्रतिदिन 80 बैरल तेल निकल सकता है। बड़े खुश हो गए। वो लोगों ने उसे कहा भाई ये जमीन तुम हमें बेच दो, उसके लिए लाखों रुपया तुझे मिलेगा। जब उसके हाथ में पैसे आया तो वो सोचने लगा अज्ञान भी क्या चीज है, इस जमीन को मैं रोज कोस रहा था क्योंकि इस बात से अज्ञात था कि इसके नीचे इतना धन है। ठीक इसी तरह आज मनुष्य भी अपने जीवन के अंदर संस्कारों की गरीबी का एहसास कर रहा है। जीवन तो जी रहा है लेकिन क्या कहता है, अरे रोजमर्रा की जिंदगी है, रोज मरने वाला अनुभव होता है, रोजमर्रा की जिंदगी है, क्योंकि अंदर से खोखला महसूस करता है अपने आप को, जीवन खोखला हो गया है। जो धन है, जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, शक्ति है, वो तो भीतर है लेकिन वहां तक हम पहुंच ही नहीं सके। तभी सदियों से ये कही गई है बात, मैं कौन हूं, इस पहली को जिसने भी सुलझा दिया वो जीवन में इतना समृद्ध हो गया कि उसके जीवन में कभी टेंशन डिप्रेशन नाम की चीज आ ही नहीं सकती है। तो आइए इस राजयोग के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्धि की ओर ले चले, अध्यात्म के आधार से उस समृद्धि की ओर। अगले सत्र में हम देखेंगे कि ये आत्मा की बैटरी को कैसे चार्ज किया जाए। चार्ज करने के कई तरीके हैं, बहुत सुंदर तरीके हैं, और उसको चार्ज करते हुए हम अपने जीवन को किस तरह से परिपूर्ण अनुभव करें। ओम शांति।